बीजेपी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो सबके सब टूटा लीडर है, सब बिका हुआ है, ये दलने वाले है मार्केट में, ये सबके साथ ये बत्ती डाली हुई है, ये दिखावा दिखाने के लिए बड़ी डाली हुई है, ये कानून चलते ही नहीं है, ये भारतीय जो बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी जैसे आप अल्फाज बोल रहे हो, अमरीका बोलो, देखो कैसे पासी होती है एक सेकंड में। आपको आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बारी पड़ गया एक आम इंसान। तुम झाड़ू मारा वहां सिपाही देती है पैसे को पैसे हरा दिया, तुम समझ जाओ क्या हाल है अमेरिका कॉलेज में, जाओ ना क्या बैठे मुझे समझ कर जाओ। हम जाते हैं क्या किया क्या किया भाई ना, हम जाते रहते हैं रोज अस्पताल जाते रहते हैं। आज आपको 5 लाख का इशू हो गया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आम आदमी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच चली तीखी नोकझोंक। नो प्रॉब्लम, ये हमारी गलती है, हमने ये फरूख दुल्ले और बेवकूफी को सिर्फ चलाया होता, हमने शेख दुल्ले को सिर्फ चलाया होता, बीजेपी ने फिर मुफ्ती के साथ क्यों हुकूमत बनाई? जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा मसला समझ आ जाएगा। इस वीडियो को आप जरा गौर से देखें। मैं कंप्लेंट करूंगा मैं इसको राष्ट्रपति को, लगेगा बोर्ड में मुझे पत्नी बोलने कैसे होगा है। आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल गए हो, तुम झाड़ू मारा वहां सिपाही देती है पेशेंट को पेशे हरा दिया, तुम मुझे समझ जाओ क्या हाल है मेडिकल कॉलेज में, जाओ ना क्या बैठे मुझे समझ कर जाओ। हम जाते रहते हैं रोज अस्पताल जाते रहते हैं। आज आपको 5 लाख का इशू हो गया, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? टैक्स की बात हुई सर, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स राइट, आप अपना राइट मांगो, आप पे क्या कर रहे हो गवर्नमेंट को, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, डीबीआर लेते हैं उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ता है, दूध के ऊपर टैक्स है, आटे के ऊपर टैक्स है, 18% 5% से लेकर 18% तक टैक्स दे रहे हैं। कौन सी चीज पर नहीं दे रहे हैं? मैं भी वही बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई चीज बताओ कि जहाँ पे हम टैक्स पेयर हम बच्चों की नौकरियाँ कहाँ है? एक चीज ये बताइए, जो कैजुअलिटी होती है, जो कैजुअलिटी होती है, कितने आदमी बंदे मरते हैं वो आप पे करते हैं उनको, तो कौन पे करता है? गवर्नमेंट पे करती है। क्या बात करते हो, किससे बात कर रहे हो? अभी एक साल बताए बड़े चुप्पी से यहाँ रेफर किया, क्या आपने कैसे पे किया? मतलब है ऐसा नहीं था, बात करते हो आप बस गवर्नमेंट ब्लेम करते हो, गवर्नमेंट निकल जाते हो, अपने हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में। यू आर नॉट गुड, यू आर बैड लीडर। तू सही है, तू सही है। आप क्या बात करो, जुबान नहीं है, तू सही है। क्या जानते हो आप? मोदी ने कोई भी चीज नहीं रखी देश के लिए, सारा चीज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, नौकरी कहाँ है बच्चों की? नौकरी कहाँ बेच दी? अभी एक बच्चा बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। मैं अभी ब्रीफ करता हूँ नौकरी की, अभी ब्रीफ करता हूँ मैं आपको। नौकरी नहीं मिल रही ना, बच्चे बेकार है, चूल्हा नहीं चल रहा है। नहीं, किसकी गलती है? अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नो प्रॉब्लम, ये हमारी गलती है, हमने ये फरूख दुल्ले और बेवकूफी को सिर्फ चलाया होता, हमने शेख दुल्ले को सिर्फ चलाया होता, बीजेपी ने फिर मुफ्ती के साथ क्यों हुकूमत बनाई? तू क्या करेगा वो बताओ ना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा बंदा लेता है, इसके ऊपर भी टैक्स देता है, रेवोल्यूशन आया है, रशियन रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, मोदी रेवोल्यूशन आया, 130 करोड़ लोग वो क्या सिलेंडर है, मर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2014 सिलेंडर के अंदर है, मिल रही है खत्म करके सब्सिडी, सब्सिडी कैसी खत्म हो गई, सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, मोबाइल में ₹700 दो साल लोगों को अंबानी ने, आप 700 पे कर रहे हो, अंबानी को कर रहे हो, कंपनी को कर रहे हो, किस कर रहे हो?
कंपनी को, वो शेयर मोदी को भी जाता भाई, वो शेयर को जाता है मोदी इलेक्शन करोड़ों रुपए जो परसों दिया होगा, कितने करोड़ों रुपए मोदी जी ने माफ किया, अंबानी को माफ क्यों किया भाई, बैंक वालों से पूछो माफ क्यों किया, क्यों किया सड़क पे आएगा वो बोलेगा, जब जब रॉन्ग होगा वो बोलेगा, हम 130% लोग आएंगे, करोड़ लोग आएंगे बोलने के लिए, प्रोवाइडिंग द जॉब फॉर द यहाँ प्रोवाइड, आपने क्या किया, हम क्या करेंगे, जो भी करना करो, कश्मीरी पंडितों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, हमने क्या नहीं किया, कश्मीरी पंडितों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, और आपने क्या किया, आपके घर का कौन सा बंदा मरा, आप मेरे को एक बंदा बताओ जो शहीद हुआ होगा कहीं भी, कश्मीरी पंडित शहीद हुए, ये मत बोलो, आपको दुनिया का पता नहीं है, ठीक है, आप किस हिसाब से बोल रहे हैं ये बात, हमारे लिए किया कुछ, आप मत ये बात बोलो, हमारा प्रॉब्लम जो बात से कर रही है, जो सड़कों पे लेके आते हो, कश्मीर को आप गुलाम बना रहे हो, उसके अंदर बैठ के वो आजाद कश्मीर है हमारा, हमारा गुलाम से किया होता, हमारा पता गुलाम से किया था, अपने को ने बुलाम किया हो, अपने को किया है, आप लीडर के दार है, आप लीडर है, बंद करो यार, पागल है, पागल है, बीजेपी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, सबके सब झूठे लीडर है, सब बिका हुआ है, ये दल वाले है बागीर में, ये सब के साथ बत्ती डाली हुई है, ये दिखावा दिखाने के लिए बत्ती डाली हुई है, ये कानून चलते नहीं है, ये भारतीय जो बदाश कर रहे हैं, अगर जैसे आप अल्फाज बोल रहे हो, अमरीका बोलो, कैसे पास ही होती है एक सेकंड में, आपको सिस्टम को ठीक करो, सिस्टम आप खुश हो ना, आप कलर से बात भी कर, हम क्या करेंगे, तो कर यार 500 बैठे थे, बहुत बड़ी साल से बैठे थे, 130 करोड़ लोग सड़क पे आएंगे, ये कोई याद है, ये कोई जब कोई जुल्म होता है, जुल्म के आगे सब करते, जुल्म कोई बर्दाश्त नहीं, आज तक नेशनल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन वो नहीं रहे, सारे रूस नहीं रहा, लुई 16 नहीं रहा, आपने क्या लिखा को जरा भी आयो, ये सारा मुंह बोल का बिजल बड़ा पैसे तेरी सुधार ये बना काणी मार दे, अभी भी मौका है सुधार लेगा, एंड ये बंदा तो काणी मार, मैं राम नाम दिमाग ठंडा रख, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर इस समय जम्मू कश्मीर में हाहाकार मचा हुआ है, और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन पंडित दीपक शर्मा की अगर बात करो, जो कि एक आम इंसान है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है को जम्मू कश्मीर में लगना चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर का आने वाले दिनों में और ज्यादा विकास हो सके, लेकिन विपक्षी दल के नेताओं का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये आम इंसान साफ तौर से कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो इस प्रॉपर्टी टैक्स के पैसों से जम्मू कश्मीर का एक नया इतिहास रचा जाएगा, और जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट होगी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बन रहे पब्लिश के साथ, धन्यवाद।